नमस्कार, आपके अपना ही पसंद है सपोर्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि फोटोशॉप के द्वारा अपने फोटो में अपना मन पसंद बैकग्राउंड कैसे डाल सकते हैं और फोटो को काफ़ी बेहतर देखने में बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे अपना मनपसंद फ़ोटो अपने बैकग्राउंड में डाल सकते हैं फोटोशॉप के द्वारा। ये हमारा दूसरा तरीका है और एक तरीके से और बताएं, अगर वो भी देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप। तो ये हमारा मेरा फोटोशॉप जो है सो ओपन हो चुका है। देखिए, अब यहाँ पर डबल क्लिक करना है और यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट करना है, जो जिस फ़ोटो को बैकग्राउंड हटा के हमको अलग से देना है उस फ़ोटो को सेलेक्ट करना है। तो चलिए ये फ़ोटो ले लेते हैं। अब इसका जो है सो बैकग्राउंड हमको इसको इस बैकग्राउंड को हटा कर हमको अपना बैकग्राउंड डालना है। तो सिंपल सी फिल्टर पे चलना है और यहाँ से एक्सट्रैक्ट पे चलना है और यहाँ से माउस को मूव करके इस तरह से फ़ोटो को कट करना है। ये बहुत आसान ही तरीका है। देखिए, यहाँ से मेहनत से हमको कट नहीं करना है, सिर्फ इसका चारों साइड से ले लेना है। अब यहाँ से कलर पे चलना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है और फिर यहाँ ओके। अब यहाँ से चलना है इरेक्सर पे, इरेक्सर टूल लेना है और इसको जूम कर लेना है थोड़ा सा। जूम हो गया। अब फिर से इरेक्सर पर चलते हैं, यहाँ से इसका साइज छोटा कर लेते हैं। अब इस बैकग्राउंड को यहाँ से क्लियर करते जाना है। जितना जूम करके करेंगे उतना ही अच्छा होगा और ज़्यादा जूम करने के लिए फ़ोटो भी फुल HD होना चाहिए, नहीं तो फिर फ़ोटो फटने जैसा लगेगा। इस तरह से इसका बैकग्राउंड पूरा क्लियर करना है यहाँ से। तो आप देख सकते हैं लगभग लगभग इसका बैकग्राउंड जो है सो हो चुका है क्लियर। थोड़ा सा बाकी है। देखिए, हो चुका है पूरा, लगता है कंप्लीट हो चुका है। अब इसे जूम आउट करके देख लेते हैं कैसा है। तो ये देखिए,
पूरा ये जो है सो कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हम जैसा चाहे वैसा बैकग्राउंड लगा सकते हैं। तो बैकग्राउंड लगाने के लिए सिंपल सी फिर यहाँ डबल क्लिक करना है और जो बैकग्राउंड इसमें डालना है उसे यहाँ चूज करना है। और ध्यान रखना एक एक ये चीज़, इसका बैकग्राउंड पहले से जैसा था अगर ज़्यादा ग्रीन में था तो बैकग्राउंड जो है सो ज़्यादा ग्रीन वाला ही फिर से चूज करना है, तो देखने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा और पता नहीं चलेगा कि एडिट हुआ है सब। नहीं तो फिर बैकग्राउंड इसका दूसरा था और दूसरा डालेंगे तो थोड़ा सा, तो ये देखिए बैकग्राउंड। अब इसको सिंपल से यहाँ क्लिक करना है और इस माउस को क्लिक करके घिस के इसको यहाँ छोड़ देना है। ये देखिए अब इसको छोटा बड़ा अगर जो फोटो, इसको करने के लिए कंट्रोल के साथ टी प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ टी। इसके बाद आप देखिए इसको जितना बड़ा जितना मोटा जितना लंबा करना है इसे कर सकते हैं, तो ज़्यादा करने से अच्छा। तो देखिए अप्लाई, इस तरह से जो है सो बैकग्राउंड देखने को मिलेगा, देख लीजिए। बहुत ही कम समय में एकदम बेहतर बैकग्राउंड सेट हो सकता है फोटोशॉप से। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दूसरा तरीका देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर इसे सेव करना है तो फिलहाल इसे सेव एज पे यहाँ से जाना है, फाइल पे जाना है और सेव एज पे जाना है। यहाँ से इसका कुछ फाइल नेम दे देना है और यहाँ से सेलेक्ट करना है जेपीजी पीएनजी। ये जेपीजी पीएनजी सेट करना है तब हम इसे मोबाइल में भी देख सकते हैं, नहीं तो फिर दूसरा अगर फाइल में सेव करेंगे तो फोटोशॉप ओपन होगा तभी देख सकते हैं। तो इस जितना ऑप्शन है सबके बारे में अगले वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, फिलहाल अभी यही देख लेते हैं इसका मोबाइल में सेट करने के लिए। सेव पे क्लिक करते हैं, ओके कर देते हैं, ये हमारा जो सो सेव हो चुका है। तो चलिए अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तब तक फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।